बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 12.1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 हम करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर इवन ऑड और नेदर। अभी फिलहाल मैंने पार्ट 1 लिखा है, और भी इसके पार्ट्स हैं, मुझे अभी फिलहाल पार्ट 1 को ही बताना है कि ये इवन है इसका फंक्शन या ऑड है या इन दोनों में से कोई भी नहीं है। अच्छा, साथ में मैं आपको ये बता दूं कि 4 चैप्टर अपलोडेड है चैनल पर, आप लोग वहां से सीख सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। चलें फिलहाल तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ बातें जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर किसी के फंक्शन को आप लोग सॉल्व करें, जैसे कि मैं अगर कर रही हूं, fx सॉल्व किया हमने और उसका आंसर -fx आता है, तो वो फंक्शन होगा ऑड। ठीक है, इसी तरह अगर मैं किसी फंक्शन को सॉल्व करूं और उसका आंसर fx ही आता है, तो वो फंक्शन हुआ इवन। और अगर इन दोनों में से कोई ना आए, कुछ और आए, तो वो नेदर होगा। एक मिनट, इन दोनों में से कोई कुछ क्या ना आए, कुछ अलग कहानी, नेदर कब होगा वो मैं आपको बताती हूँ। पहले ऐसा करते हैं, ये पार्ट जरा स्टार्ट करते हैं, आपको इसी तरह ही बात समझ में आएगी। अच्छा, एक और चीज़ स्टूडेंट्स, इसको करने से पहले मैं 2-3 चीज़ें और पता होनी चाहिए। अच्छा, क्यों पता होनी चाहिए बता दूंगी मैं। साइन -x अगर हो ना, तो इसका मतलब आप इसे -sin x लिख सकते हैं, अलाइड एंगल्स की कहानी है ये। और अगर कॉस -x हो, मतलब जो एंगल हो वो माइनस में हो, तो cos x आता है। इसी तरह tan x हो अगर, मतलब एंगल जो हो वो माइनस में हो, तो -tan x आएगा। ये 3 चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। अब इसे हम यहाँ अप्लाई करते हैं। सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है वो ये है कि आप लोगों ने रिप्लेस कर देना है एक्स को -x से, क्योंकि आप -x की ही वैल्यू तो निकाल रहे हैं। रिप्लेस एक्स बाय -x। ओके, फिर जहां जहां एक्स है, जैसे कि यहाँ आपने लिखना है -x, जहां एक्स है जैसे कि यहाँ आपने लिख लेना है -x, और यहाँ भी यही काम करना है। अब मैंने आपको कुछ बताया है कि साइन -x -sin x होता है, तो आप इसकी जगह -sin x लिखेंगे, और कॉस -x जो है वो cos x ही होता है, तो cos x ही लिखेंगे। और ये तो ऐसे ही रिमेनिंग चल रहा है -x। अब क्या आपके पास आंसर किस तरह आया है, एंड में यही आ गया ना, माइनस में है, तो हम मैं यूं कह सकती हूँ कि जो f -x आया है ना, वह एक्चुअली -fx आया है। देखिए, ये रहा sin x cos x, यहाँ ये भी ये sin x cos x, सिर्फ डिफरेंस क्या है, माइनस का डिफरेंस है। इसका मतलब जो एफ माइनस एक्स है ना, वो fx ही है, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो है, ये है ऑड। क्या है ये? ऑड है। तो बस लिखते हैं यहां पर आप, इट इज ऑड फंक्शन। सही है। इसी तरह और भी बाकी के पार्ट्स भी इसके करके देखते हैं, तो जब और प्रैक्टिस करते जाएंगे तो बातें और समझ में आती जाएंगी। टेक अ स्क्रीनशॉट और देखिए स्टूडेंट्स, इसे याद कर लीजिएगा। सही है, इजी है, बस कॉस एक्स पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव। स्टूडेंट्स, अब है ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें gx लिखा हुआ है, इसका मतलब हरगिज नहीं है ये कि फंक्शन नहीं है, ये fx नहीं है, बिल्कुल सेम रूल्स है इसके भी। आपको पहले रिप्लेस करना है एक्स को -x से, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख लेगा थोड़ी सी वर्डिंग, और अभी मैं इसको डायरेक्टली लिख रही हूँ, जी हो गया -x। और यहाँ भी यही काम आप लोगों ने सबसे पहले करना है। क्या लिखना है? अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ ना एक काम आप पहले ये करें कि रिप्लेस करने से पहले, बल्कि मैं इसको +x रख रही हूँ अभी। सही है, इसको भी स्क्वायर, मैं इसको स्क्वायर ना, मैं इसका स्क्वायर ना यूं करके बाहर लगा रही हूँ। सही है, अब ये हो जाएगा 1 + tan x। अब ठीक है, अब कर देती हूँ मैं रिप्लेस एक्स को -x से। सही है ना, तो मैंने रिप्लेस एक्स बाय -x कर दिया, नहीं किया, अभी कर रही हूँ। -x इज इक्वल टू
साइन माइनस एक्स। आप लोग भी कॉपी पेन इस तरह साथ लेकर बैठा करें, इससे आपको और जो है ना आसानी होगी चीजों को करने में। ठीक है, तो अब हो गया स्क्वायर 1 + 10 - x। ओके ठीक है, अब क्या करें, अब ये जी माइनस एक्स तो एज इट इज रहेगा, हमें यहां देखना है ना कि साइन क्या आना है। आपको पता है ना साइन माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स के, इसे मैंने याद करने को कहा है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया है लेकिन अब मैं इसे शो नहीं कर पा रही हूँ, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अच्छा, 1 - 10x के बराबर होगा ये, आपको पता है सिर्फ कॉस एक्स ही था जो पॉजिटिव आ रहा था, बाकी सब माइनस में थे। अब अगर स्क्वायर खोल भी लें इसका आप, तो क्या होगा कि ये आ जाएगा पॉजिटिव का साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ 1 - 10x रहेगा, लेकिन फिर भी इसका फंक्शन जी माइनस एक्स आया है, ये क्या आया है सही से क्लियर नहीं हो सकता। अगर आपने इसकी आइडेंटिटी भी खोल ली तब भी ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। इसका मतलब ना तो ये जी माइनस एक्स जो है ना ये आया है जी एक्स, सही है, पॉजिटिव हम इसे नहीं बोल सकते, बजाय ये पॉजिटिव लग रहा है लेकिन पॉजिटिव भी हम इसे नहीं बोल सकते, और ना ही आया है माइनस जी एक्स। तो इसका मतलब जी एक्स इज नेदर इवन नॉर ऑड, इस तरह मैं लिख देती हूँ कि ना ये आया है इस तरह और ना ये जी एक्स, बल्कि माइनस यहाँ लगाना होगा ना, ना इस तरह आया। ठीक है, तो इसका मतलब आपको इसको लिखना होगा नेदर इवन नॉर ऑड, जी एक्स इज नेदर इवन नॉर ऑड। तो ये हो गया पार्ट जो कंप्लीट, और ये नजर आ रहा है आपको, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर मुकम्मल हुआ। सही फोकस हो रहा है, हाँ ठीक है। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहला काम तो यही कि आप इसे रिप्लेस करते माइनस एक्स से, वर्डिंग लिख दीजिएगा, मैं यहाँ पर इस तरह डायरेक्ट कर रही हूँ, माइनस एक्स से कर रही हूँ। पार्ट 3 में भी यही काम, रिप्लेस एक्स हो या कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ भी एक्स की जगह आ जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर साइन और ये माइनस एक्स, तो ये हमने काम अभी कर लिया। अब इसको और अगर सॉल्व किया जाए तो आपको पता है 10 - x तो ये सामने ही नजर आ रहा है -10x के बराबर होता है, ये माइनस एक्स एज इट इज ऐसे ही रहेगा, और ये साइन एक्स भी जो है ना ये भी माइनस के ही बराबर होता है, तो यहाँ भी माइनस साइन एक्स आ जाएगा। वैसे तो यहाँ पॉजिटिव है तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको और सॉल्व किया जाए तो ये माइनस का 10x तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, इन दोनों में माइनस को कॉमन ले लें अगर आप लोग, तो एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल, तो इन शॉर्ट एच माइनस एक्स आ गया 10x, सही है, एक्स प्लस साइन एक्स, ये बिल्कुल एच एक्स की तरह आया है। तो इसका मतलब ये एच माइनस एक्स जो है वो बराबर आया है एच एक्स के, और ऐसी कंडीशन में होता है इवन, ये मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया था कि अगर सेम आंसर आता है तो इवन है, मतलब माइनस में आंसर ना आए तो मैं यहाँ पर वर्डिंग को जो है वो मेंशन कर देती हूँ। क्या करेंगे, बोलेंगे भाई आप एच एक्स इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन डन। ओके, अब एक पार्ट 4 रह गया, उसको भी जल्दी से कर लेते हैं। अब है ये पार्ट 4, पार्ट 4 में भी आपने एक्स को रिप्लेस करना है माइनस एक्स से, वर्डिंग जरूर लिखिएगा रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, यहाँ भी माइनस एक्स से कर ले रिप्लेस, सब जगह आपने यही काम करना है। ठीक है, ये मैंने जहां जहां था एक्स वहां लिख दिया माइनस एक्स, हो गया। अब क्या करना है, के माइनस एक्स इज सेम, आपको पता है क्यूब में कोई वैल्यू क्यूब में होता है, बाहर क्यूब या इवन पावर होती है तो साइन माइनस का कैंसिल नहीं होता और ये क्यूब आ जाएगा, और आपको अब ये भी जानते हैं कि साइन माइनस एक्स जो होता है ना माइनस साइन एक्स के बराबर होता है, और जो कॉस एक्स होता है वो पॉजिटिव का ही होता है, ये तो मैं आपको याद करने का कह चुकी हूं।
कहा है ना, बिल्कुल। अब आप क्या करिए, माइनस का साइन इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दें। बाहर सिर्फ साइन मल्टीप्लाई करवाइएगा, क्यूब को नहीं करवाइएगा। तो ये हो जाएगा साइन एक्स और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस कॉस एक्स, ठीक है। या मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑन बोथ साइड करते हैं, ये ज्यादा नहीं, मल्टीप्लाई बाय माइनस नहीं, ये माइनस का साइन ही मल्टीप्लाई करवाएं। अब आप गौर करें, ये वैल्यू और ये वैल्यू में थोड़ा सा फर्क है। तो फर्क क्या है, माइनस का है। अब माइनस का फर्क है तो ये इसके बराबर तो नहीं आ सका, और ना ये कहलाया जाएगा कि ये माइनस के एक्स आया है, क्योंकि यहाँ साइन माइनस नहीं है, प्लस तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये भी नेदर इवन और नॉर ऑड है। तो आप लिख देंगे के माइनस एक्स इस नेदर, मैं लिख देती हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि नेदर इवन नॉर ऑड, क्योंकि कंडीशन को फॉलो उसने किया ही नहीं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर मुकम्मल। अब क्वेश्चन नंबर 3, 4 और जो भी क्वेश्चन या एक्सरसाइजेस हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एमसीक्यूज के पॉइंट से ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ये सॉल्व करने के लिए भी आ सकते हैं। फिलहाल तो मॉडल पेपर आपसे शेयर कर लूँगी और इसमें भी डिस्कस कर लेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आने वाले हैं। मॉडल पेपर आ गया है बिल्कुल, शायद देखा नहीं है मैंने अभी तक। चलें स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।